नमस्कार दोस्तों, देवी की कंप्यूटर के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप हमारे एक सीपीयू कूलर को जो कि एचपी सीरीज का है, ये अरोरा 120 की मॉडल है, इसकी बारे में हम जानेंगे कि आप इसको अपने मदरबोर्ड में या सीपीयू में किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसकी को इंस्टॉल करना सिखाएंगे कि आप अपने एएमडी और इंटेल मदरबोर्ड में किस तरीके से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें जिससे कि आपको किसी भी तरह की जानकारी आपकी मिस ना हो। तो हम इसमें बात करेंगे कि हम इसको, ये हमारा इंटेल का मदरबोर्ड है, इसमें किस तरीके से फिट कर सकते हैं। तो इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि इस फैन के साथ आपको क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो एक ये लॉक है जो इसके साथ मिलता है हमें, हम इसको अपने मदरबोर्ड में फिट करेंगे इंस्टॉल करने के लिए। ये इस तरीके से आपका इंस्टॉल होगा और आप देख ही सकते हैं ये इसमें जगह जगह लॉक दिए गए हैं इस तरह के। यहाँ पे हमारा फ़ैन को हम अटैच करेंगे और ये इसके नंबर्स दिए गए हैं जिसमें कि हम अलग अलग सीरीज के मदरबोर्ड के साइज़ के हिसाब से दिया गया है कि 77 सीरीज के लिए, 11 सीरीज के लिए, 1333 सीरीज के लिए किस किस लॉक में हमें क्या क्या लगाना है। ये हमें उसके लिए कुछ क्लिप्स दिए गए हैं जिसके थ्रू हम इसको, इस सॉकेट को अपने मदरबोर्ड में इंस्टॉल करेंगे। तो अब हम इनको क्लिप्स को निकालते हैं, अब देखते हैं कि इनको कैसे इंस्टॉल करना है। तो हमारा ये मदरबोर्ड 77 सीरीज का है, तो सबसे पहले हम ये चार क्लिप्स वाइट कलर के दिए गए हैं, तो हमें ये वाइट कलर के क्लिप्स इसमें इंस्टॉल करने हैं फ़ैन के अंदर। तो ये 77 सीरीज का है तो सबसे पहले सॉकेट में जाएगा। इसको सिर्फ इसके अंदर ये आप देख सकते हैं इस तरह की एक्स्ट्रा बाउंडिंग दी गई है, तो इसी एक्स्ट्रा बाउंडिंग को हमें इसके अंदर फिट करना है और फिट करके उसको बस प्रेस कर देना है। ध्यान रखिएगा ये प्लास्टिक का है, तो सॉकेट प्लास्टिक का है, तो इसको आराम से फिट कीजिए और इजीली अंदर चला जाएगा। और बाकी इसको ज़बरदस्ती ना करें किसी भी तरह की, क्योंकि अगर ये बेस टूट गए तो फिर आपके फैन को कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसलिए इनका आराम से यूज करें और आराम से इनको फिट करने की कोशिश करें कि जिससे किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये मैंने इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, तो मैंने चारों के चारों इसमें कनेक्ट कर दिए। ये 77 सीरीज के लिए यहाँ पे लगेगा, अगर मेरी 115 सीरीज होती तो इससे आगे वाले कट में लगता है। ये आप देख पा रहे हो तो ये तीन कट हैं इसके अंदर यहाँ पे। मैं इसको मदरबोर्ड में सबसे पहले इसी को, इस ब्रैकेट को मदरबोर्ड में लगाना पड़ेगा। ये हमारा ब्रैकेट है, हम इसको ये इस तरीके से ये मदरबोर्ड के चारों कोनों में लग जाएगा। ये मैंने अच्छी तरह से इसको लगा दिया, लेकिन अभी ये इसके अंदर फिक्स नहीं है, ये इजीली इसके अंदर निकल जाएगा, बाहर निकल आएगा जब हम फैन लगाएंगे। तो इसके लिए ये क्लिप्स दिए गए हैं, चार क्लिप्स हैं ब्लैक कलर के, जिनको हम इसमें मतलब इसके वाइट सॉकेट्स में लगाएंगे तो ये एकदम अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा। बस हमें कुछ नहीं करना है, इनको क्लिप्स को लेना है और इनको बस इसके अंदर की तरफ इंसर्ट कर देना है और पुश कर देना है, तो ये अंदर की तरफ इसके चले जाएंगे। ये मैंने चारों क्लिप्स इसके अंदर लगा दिए, अब हम ये देखेंगे तो ये अच्छी तरीके से इसके अंदर फिट हो गया है। अभी ये बाहर नहीं निकलेगा, ये अच्छी तरीके से इसके बोर्ड के अंदर फिट हो गया। अब हम बात करें तो जब आप ये काम कर लें तो इसके बाद अपना ये जो सीपीयू कूलर आपको सीपीयू कूलेंट इसके साथ दिया गया है, आप इसको इसके ऊपर अपने प्रोसेसर के ऊपर लगाएं, पूरा इंस्टॉल करें जितना भी इसके अंदर है। उसके बाद आप फ़ैन पे आएं, तो सबसे पहले हम फ़ैन के ऊपर से ये इसके ऊपर ये वार्निंग मार्क दिया गया है प्लास्टिक का, ये हटा देंगे जिससे कि किसी भी तरह की बाद में हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। तो ये आप इस फैन में दो हीट पाइप दिए गए हैं, हम इसको इसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे। इसको इंस्टॉल करने का बहुत ही इजी तरीका है, सबसे पहले हम ये जब ब्रैकेट इंस्टॉल कर देंगे तो आप ये दो क्लिप देख सकते हैं यहाँ पे और एक यहाँ पे, वैसे इधर भी है और ये इधर भी दिया गया है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं जो आपको सेट करने में आसानी हो। तो सबसे पहले एक ही क्लिप इस साइड दिया गया और एक ही लॉक दिया गया प्रेस वाला, तो हम इस क्लिप को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। ये मैंने इसको यहाँ पर लगाया, सबसे पहले इस तरीके से फंसा देना है। फंसाने के बाद ये दूसरी साइड हमें आना है, और दूसरी साइड वाले क्लिप को लगाने के लिए थोड़ा आराम से नहीं जाएगा, तो थोड़ा सा इसको प्रेस करना पड़ेगा, थोड़ा जोर लगा के इसको इसमें लगा दीजिए, फिक्स कर दीजिए। ये देखिए ये यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, ये इस तरीके से क्लिप इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद अब ये देखें तो हमारा फ़ैन इसके ऊपर अच्छी तरह सीपीयू के ऊपर फिक्स हो गया है। अब ये फ़ैन हमारा फिक्स हो गया है, तो ये इस और ये बाकी इसके बाद हम ये इसको अपने फ़ैन के पिन में लगा देंगे, तो ये हमारा फ़ैन इसके अंदर इंस्टॉल हो गया।
अब हम बात करें इसको AMD के लिए, तो AMD मदरबोर्ड के लिए हमारे पास मदरबोर्ड तो AMD का नहीं है, लेकिन मैं आपको एक सॉकेट के जरिए ट्राई करूँगा बताने की, ये सॉकेट है, यही सॉकेट, इस टाइप का सॉकेट ही AMD मदरबोर्ड्स में आता है। तो AMD मदरबोर्ड्स में ये दो लॉक दो होते हैं इस तरह के, और इसी तरह के लॉक से हमारे इस वाले इंटेल वाले में भी दिए गए हैं। तो AMD के लिए हमें इस ब्लैक ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, AMD में आपके पहले ही लॉक सॉकेट लगा हुआ आता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक लॉक को यहाँ पे इंस्टॉल करना है, और उसके बाद दूसरे सॉकेट को आपने यहाँ पे बस इसको इसमें फंसा देना है। जब आप CPU और मदरबोर्ड पे इंस्टॉल करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइट आएगा, तो बस इसको यहाँ से एक साइड तो इजीली इंस्टॉल कर देना, दूसरी साइड लगाने के लिए बस थोड़ा सा हल्का जोर लगा के इसको क्लिप को इसमें ब्रैकेट में फंसा देना। उसके बाद ये इस तरीके से AMD के मदरबोर्ड में आपका इंस्टॉल हो जाएगा, तो इस तरीके से आप इसको AMD में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि आप इस फैन को आपने AMD मदरबोर्ड में और इंटेल मदरबोर्ड में किस तरीके से फिट कर सकते हैं, ये आपके इस प्रोडक्ट की फिटिंग के बारे में मैंने बताया। अगर आपको ये वीडियो और डिटेल्स जो मैंने बताई शेयर की हैं वो आपके काम की हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स जो इसके बारे में सारी डिटेल्स क्लियर कर सकूँ, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि और लोग भी हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि हम और भी प्रोडक्ट्स के जो वीडियोस वगैरह या जो भी प्रोडक्ट की डिटेल्स वगैरह के वीडियोस हम यूट्यूब पे अपलोड करें तो आपके पास वो जल्दी से जल्दी पहुंच सकें और आप उनको देख सकें, और किसी भी तरह का कोई वीडियो आपका मिस ना हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे और लोग भी हमारे बारे में जान सकें। वीडियो को एंड तक देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।